बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले शिवरंजनी तिवारी और उनके पिता बैजनाथ तिवारी ने बागेश्वर धाम के सेवादारों पर लगाए गंभीर आरोप। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नगांव रोड, छतरपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की आस लेकर चली शिवरंजनी तिवारी छतरपुर पहुंची तो उनके साथ कई प्रकार के विवादों का नाता भी जुड़ गया, जिसमें सबसे बड़ा उनके पिता का तेल था, जिसमें शिवरंजनी तिवारी का पूरा खेल बिगाड़ दिया और सच्चाई सबके सामने आ गई। ये कोई शादी के लिए कलश यात्रा नहीं निकाली गई, बल्कि नवंबर माह में बागेश्वर धाम में शिवरंजनी तिवारी के पिता के साथ हुई घटना का बदला लिया गया था। और मीडिया से बात करते हुए खुद शिवरंजनी एवं उनके पिता ने बागेश्वर धाम की खूब बुराइयां करने लगे। दरअसल यात्रा के साथ चलने वाली शिवरंजनी की गाड़ी में मार्कंडेशन तेल का पोस्टर लगा था, जिसके कारण मीडिया को शक हुआ और इस यात्रा का तेल से क्या वास्ता है, तभी से मीडिया कर्मियों ने तह तक जाना शुरू कर दिया और पता चला कि शिवरंजनी तिवारी के पिता वैजनाथ तिवारी और उनके भाई तेल की ब्रांडिंग करने के लिए नवंबर माह में बागेश्वर धाम आए हुए थे और उन्होंने वहां से अपने तेल को बेचना शुरू किया था और 100 रुपये बाटल के हिसाब से कई लोगों को तेल बेचा था, जिसमें करीब 35,000 रुपये उनके पिता को मिले थे। और पिता ने सोचा कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बताते हुए यहां पर उन्हें कुछ मंदिर के नाम पर पैसा दिया जाए और तेल की ब्रांडिंग करने का प्लान कर लिया। तो वहां पर सेवादारों के माध्यम से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने तेल की बात बताई। यहाँ पर अपने धाम में इस तरीके से तेल की ब्रांडिंग को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उस समय पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आप अपना तेल बेचिए, तरक्की कीजिए, मुझे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं चाहिए। और यहाँ पर 35,000 रुपये का जो फ़ायदा हुआ था वह यहाँ पर वैजनाथ तिवारी लेकर वापस चले आए। जब बाहर निकले तो यहाँ पर उनका विवाद यहाँ सेवादारों से हो गया। इस तरीके की बात यहाँ पे वैजनाथ तिवारी ने मीडिया के कैमरे पर कही है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा वैजनाथ तिवारी शिवरंजनी तिवारी के पिता ने। पूज्य महाराष्ट्र ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा, तेल कहाँ मिला था, एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था, माने जहाँ पर वो नारियल बांटे जाते हैं सिद्ध किए हुए, तो उसके भीतर माने जो ट्रस्ट का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र बना हुआ कमरा जैसा है स्टील का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको तो किसकी समिति, किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति, कोई बात हुई थी आपकी जवाब, अरे सुनिए सुनिए बता रहा हूँ पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक, मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी हो गई, महाराज जी की, ट्रस्ट की, समिति की, जो भी वहाँ के समिति के लोग होंगे। 2 दिन तक दिया और मैं हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे, तो उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितनी राशि थी वो पता नहीं, लगभग 300-500 बोतल देवे 30-35 हज़ार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था समिति के लोगों को कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है, ये सबके बीच में कहा था। और बीच बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया, हम लोग चले गए, तो वहाँ पर जो राशि जमा हुई वो सर उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया, देखकर तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफ़ी लोगों को हमने वहाँ पर क्या हुआ फ्री में दिया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहाँ पर पहुँचा दीजिए क्योंकि गुरु जी तक मेरा बेटा देना चाहता है, यानी पैसा देना चाहता है, तो पहले तो ये हुआ आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम पहुँचा देंगे, हम पहुँचा देंगे, ऐसा करते। इसके चलते लगभग लगभग 1-2 दिन तक हमें वेट करना पड़ा गुरु जी तक पहुँचने में। फिर सेकंड थर्ड डे फिर वहाँ पर हम गुरु जी तक हमको पहुँचाया गया। हम गए गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी ये दक्षिणा है कितना है क्या, इसका तो गिना हुआ नहीं है लेकिन जो भी है आप रखिए। तो गुरुदेव जी ने वापस किया मुझे, बोलिए अरे अरे इसको रख, मेरे बेटे के हाथ में दिया, बोले इसको रखिए रखिए, जो भी है इसकी ज़रूरत नहीं है, अब जब तुम भविष्य में बहुत कमा लोगे, बड़े हो जाओगे, काम
तो मेरे मार्कंडेय तेल में अपना मार्कंडेय ऋषि, जो आप जानते हैं, ऋषि जी का चित्र लगा था। तो फिर उसमें विवादास्पद हुआ कि आप यहाँ तेल पर तेल मत बेचिए। पहले तो आपने नारियल केंद्र के अंदर अपने समिति का जो ट्रस्ट के अंदर का जो जगह है, ये पूरा बागेश्वर धाम जानता है, पूरे लोग जानते हैं, 3 दिन तक तो अंदर बेचे, दान भी दिया, अनाथ गरीब सबको भी दिया, किसी लोगों को 100 रुपये में तेल गुड़ सबको दिया। उसके बाद में बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में फिर वहाँ से हमको धमकी लगने लगी। जैसे मेरा बालक छोटा सा मिला, उससे कहा गया तुम निकलती नहीं निकलते। सुना आपने शिवरंजनी तिवारी के पिता बैजनाथ तिवारी ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं और यहाँ पे बागेश्वर धाम को यहाँ किस तरीके से आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमें वहाँ नवंबर माह में शर्मिंदा किया गया और हमारे साथ जो बर्ताव किया गया था वो सेवादारों का ठीक नहीं था। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे शिवरंजनी तिवारी ने भी मीडिया के कैमरे पर खुलकर अपनी बात कही और बताया कि हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ नवंबर माह में जो हुआ था वह मैं मीडिया के कैमरे में नहीं बता सकती, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। सुनिए शिवरंजनी तिवारी का यह बयान। देखिए, विवाह का जो भी बवंडर जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेके और हमारे साथ, क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया ना कि हम तेल का प्रचार करने लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहां जा चुके हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहां पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में, हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी के यहाँ, वहां भी कर चुके हैं, पंडुकर सरकार भी जाते रहते हैं। और विवाद को रही बात ऐसी है, मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं वहाँ के, जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं, जो कुछ भी किया जाता है, उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ और बागेश्वर महाराज ने खुद ये बात बताई है कि वो अपने सेवादारों से परेशान है। हमारे साथ में नवम्बर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, कि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है, लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच हैं, हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान हैं, उनको साक्ष्य रख के मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता, महाराज जी भी नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे असल में क्या घटना हुई थी वो महाराज जी पर। तो सुना आपने शिवरंजनी तिवारी को, अब हम बताते हैं कि आखिरकार पूरा मसला कहां से शुरू हुआ था। जब बागेश्वर धाम में शिवरंजनी तिवारी के पिता ने अपने तेल की ब्रांडिंग करना शुरू की और यहां पे सेवादारों से विवाद हो गया, तभी बैजनाथ तिवारी ने यह पूरा प्लान कर डाला कि अब हम इसका बदला लेंगे, और बदला भी इस तरीके से लिया गया कि अपनी बेटी को आगे कर दिया गया, मगर वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। उधर शिवरंजनी तिवारी ने मीडिया के कैमरे में कहा कि हमारे तेल का वितरण एकमात्र बागेश्वर धाम में नहीं हुआ, बल्कि इसके पहले करौली शंकर धाम पांडोखर सरकार में भी इसका हम लोगों ने ब्रांडिंग की है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, मगर बागेश्वर धाम के जो सेवादार हैं वह विवाद करने लगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सेवादारों की सारी बातें पता नहीं रहती और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बागेश्वर धाम महाराज ने खुद यह बात बताई थी कि सेवादार से मैं परेशान हूँ, इस तरीके की बातें भी यहाँ पे शिवरंजनी ने की हैं और नवंबर माह में हुए इस तरीके के विवाद को लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है, जो सारे पत्ते अब शिवरंजनी तिवारी और उनके पिता के मीडिया के सामने खुल गए हैं। वरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया के साथ राहुल माली की रिपोर्ट।